हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन। आई एम फ्रॉम जीपीसी धौलपुर, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, ये यूनिट वन का सेकंड लेक्चर है। यूनिट वन आपकी है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कई डेफिनेशंस बताई थी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप उनको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी आपके एक एक या एक एक नंबर में। ठीक है, और डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं, वो बेसिक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा होगा कोई भी बॉडी होती है, कोई भी संरचना होती है, उस पर विभिन्न प्रकार के बल या लोड काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लग रहे होते हैं उन पर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये चार तरह के। देखिए, पहला भार है अचल भार, दूसरा चल भार, तीसरा वायु भार, चौथा बर वार या स्नो लोड और आइस लोड। सो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, आइस लोड, ये पहले भी सुनोगे आपने टर्म्स। अब इनके बारे में देख लेते हैं होते क्या हैं। डेड लोड क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग है, अब किसी भी बिल्डिंग पर डिफरेंट तरह के लोड लग रहे होते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी कोई बिल्डिंग है हमारी, मान लो अपने इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, इस पर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के अलावा फर्नीचर का लोड हो गया। ठीक है, विंड का लोड, विंड भी बहुत तेज़ चलती है, कई बार तूफान आंधी आते हैं, तो उसका भी दबाव लगता है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर पर। और पानी की टंकियाँ रखी रहती हैं बिल्डिंग के ऊपर, छतों के ऊपर। सो अब हम समझते हैं एक एक करके। देखिए, डेड लोड क्या होता है। अब कोई भी आपकी बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग है किसी भी हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, अपना घर ही ले लो, इन सब का एक फिक्स वेट होगा खुद का। कैसे? दीवारों का। सबसे पहले तो खुद का दीवारों का वेट होगा, वो डेड लोड में आएगा। वॉल्स का वेट प्लस बीम्स का वेट, बीम होती है जो धरन होती है उनका वेट, ये सब सारे लोड किस पे लगते हैं? फाउंडेशन पे जाके लगते हैं। ठीक है, और ये ऐसे भार हैं जो कि फिक्स रहेंगे जीवन भर, लाइफ टाइम। एक बार हमने घर बना दिया तो ये जीवन भर फिक्स रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, स्थिर रहेंगे, और इनकी इनका जो मान होगा लोड, वो भी फिक्स ही रहेगा, ना बदलेगा कम होगा। ठीक है, फिक्स रहेगा इसका मान। छत का भार हो गया, दीवारों का भार हो गया, ये सब सारे भार फिक्स रहेंगे जो कि सीधा फाउंडेशन पे लग रहे हैं। ठीक है, अब आ गया आपका दूसरा लाइव लोड। लाइव लोड क्या हो गया? चल भार, यानी जो चल फिर सकता है, एक तरीके से हमारा खुद का भार। हम घर में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो लोड वेरी करता है। कई बार 10 बच्चे आते हैं, कई बार पूरी क्लास आती है, कई बार नहीं आते। हर तरह के फर्नीचर्स का वेट कई बार कम ज़्यादा होते हैं फर्नीचर्स, तो ये फिक्स वेट नहीं होता, ये चेंज हो सकता है, वेरिएबल होता है ये। इस तरह के भार को हम लाइव लोड कहते हैं। ठीक है, विंड लोड, विंड का जो वायु का भार लगता है, तो बहुत ही सिंपल है, जो वायु का भार लगेगा हमारी संरचना पर वो विंड लोड होगा, सीधा विंड का। और हमने देखा है कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बर्फबारी भी होती है, तो बर्फबारी होती है, जब बर्फ़ गिरती है तो छत पर बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसका भार भी छत पे लगता है। ठीक है, वो भार भी काफ़ी मात्रा में होता है यदि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, जहाँ पर बर्फबारी होगी उस तरह पे। ठीक है, तो आपके चार लोड हो गए, आपको समझ आ गया होगा। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और आइस लोड। डेड लोड और लाइव लोड में क्या डिफरेंस है, यह आपको समझ आ गया होगा। सिंपल है, जैसे घर है, घर का पूरा कोई भी नहीं रह रहा उसमें, फिक्स है वो, खाली एकदम, और पूरी बिल्डिंग है और कुछ नहीं रखा उसमें, फर्नीचर वगैरह, सीधा खाली मकान है, तो वो उसका डेड लोड हो गया। फिर हम उसमें आए गए तो हमारा जो भार है, जो कम ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी 5 लोग आ रहे हैं, कभी 10, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो हमारा जो भार हो गया वो लाइव लोड हो गया, जो हम चल फिर रहे हैं एक तरीके से। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब कोई भी मशीन होती है, कोई भी संरचना या कोई भी बॉडी होती है, उस पर लगने वाले भारों के प्रकार, उसके बारे में देखेंगे कितने तरह के भार लग सकते हैं उस पर, और जो कि हमने लग इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने हैं। सबसे हो गया टेंशन लोड। टेंशन की स्पेलिंग होती है TENSION। ठीक है, ये गलती से ध्यान से नहीं लिखा होगा, इसलिए गलत हो गई। ठीक है, टेंशन लोड। टेंशन लोड क्या होता है? तनावी बल। यार, तनावी बल क्या हो गया? कोई भी मान लो एक बॉडी है, ये मेंबर है, इस
पे इस तरह से यहाँ से पीलोड लग रहा है, इस तरह से बाहर की दिशा में लग रहा है, ऐसा खींच रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए पहले तो ऐसा था, अब पतला हो गया है तनावी बल के कारण। ठीक है, खींचा तो इसे ऐसे सिकुड़ गया है और इसमें तनावी बल उत्पन्न हो गया है। संपीड़न बल आ जाते हैं, दूसरा भार है आपका कंप्रेसिव लोड, संपीड़न बल। ये क्या करेगा, मान लो कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, इस पर हमने इसको दबाया, दबाने के कारण क्या हुआ, उसकी लंबाई में आवाज कमी होगी, तो लंबाई तो कमी होगी लेकिन उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको ये बताया। अब ये मोटाई बढ़ना कम होना ये क्यों होता है, ये आपको मैं आगे जाके बताऊँगा, पॉइजन अनुपात से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया कंप्रेसिव लोड, यानी कोई भी बॉडी है उसको हम इस तरह से लगा रहे हैं, उसकी ओर लग रहा है अंदर की ओर, जिस कारण उसमें दबाव होगा, तो वो हो गया आपका संपीड़न भार। शेयर लोड क्या होता है, देखो शेयर लोड समझना ज़रूरी है। मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, नीचे ज़मीन से जुड़ी हुई है। अब इसके सतह पर एक तो ऐसे बल लग सकता है, ये हो गया आपका तनावी बल जो कि इसकी इसको खींचेगा, ठीक है, और एक ऐसे बल लग सकता है, ये देखो पी, जो कि इसको दबाएगा, ठीक है, और एक और बल ऐसे लग सकता है। अब क्या करेगा, एक मान लो बॉडी है, ठीक है, अब ये देखिए ये इसकी सतह है ऊपर की, है ना, अब इस सतह पे इस तरह से बल लगेगा, यूं पी। अब ये क्या करेगा, इसकी सतह पे लग रहा है टेंजेंशियली, ठीक है, स्पर्श पे लग रहा है, ये क्या करेगा, इसको खिसका देगा आगे, ऐसे यूं कर देगा इसकी शेप को, यूं ना खींचेगा ना दबाएगा, इसको ऐसे बदल देगा, तो कि सतह पे लगता है, समझना ज़रूरी है। शेयर फोर्स हमेशा सतह पर लगता है सतह के पैरेलल, समांतर, ठीक है, ओके। आगे और अच्छे एग्जांपल से हम समझाएंगे, अभी इतना समझ लीजिए। अब आते हैं हम स्ट्रेस, प्रतिबल क्या होता है, ये देखिए ये बहुत ज़रूरी जानना। प्रतिबल, मान लो कोई छड़ है, ये आपके सामने ही छड़ है, इस पर पी लोड लगा दिया इसने, इधर इधर से इधर पी लोड लगा दिया, है ना, देखिए ये रहा, ये पी लोड इधर से लगा दिया, पी लोड इधर से लगा दिया, खींच रहा है इसको। अब इसका कुछ क्षेत्रफल होगा ये वाला, ये सामने से देख रहे थे हम ऐसे हैं, इसको पलट के देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी, देखिए छड़, मैं बनाता हूँ एक सेकेंड, मान लो इसको सामने से देख रहे हैं तो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, अब जो ये हिस्सा है इसमें ये वाला जो मैंने लाल लाल मार्क करा है, ये वाला, ये जो एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, इस पर भार लग रहा है, यानी जो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो बल लग रहा है, ये इस वाले एरिया पर लग रहा है जो मैंने अभी ड्रॉ करा था लाल लाल, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया बल बटा क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हो गया, ये जानना ज़रूरी है। इस पे ही लगेगा, हमेशा बल लगेगा, जो इस पे ही वितरण होगा स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, स्ट्रेस उत्पन्न कैसे होगा, मान लो कोई भी छड़ है, हम उसे खींच रहे हैं, ये पी बल लगाया हमने यहाँ से और यहाँ से, अब ये क्या करेगी, छड़ इसका विरोध करेगी परिवर्तन होने का, इसमें बदलाव होगा, पर बदलाव होने का वो विरोध करेगी, उसके कण आपस में बहुत इंटरलॉकिंग हो रखी होगी, उसके कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे किसको, इस बल को खींचने से, लेंथ में इंक्रीज होने से, जो लंबाई में परिवर्तन होगा, खींचेगा उसको रोकेंगे, तो उस तनाव, अब बल तनाव ही है तो
प्रतिबल कैसा होगा, तनावी प्रतिबल होगा, उत्पन्न होगा इसमें, ठीक है, इसके सेक्शन पर। यानी कि जब तक हम विरोध करेगा, जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा आंतरिक प्रतिरोध, वो आपका स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। अब वो कब उत्पन्न होगा, जब हम किसी छड़ पर या तो तनावी बल लगाएंगे या फिर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। अब जो उसका विरोध होगा, रेजिस्टेंस जो उसको करेगा, उसके कारण उत्पन्न होगा आपका प्रतिबल, जिसका फॉर्मूला ये रहा, बल बटा क्षेत्रफल। और इसकी यूनिट होगी, अगर बल किलोग्राम में है तो किलोग्राम, और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो किलोग्राम बटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में हो जाता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन होती है बल की इकाई और एमएम स्क्वायर हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब आते हैं विकृति। विकृति क्या होती है, देखिए ये छड़ है, इसके कारण बल लगाया हमने, यहाँ से पी बल लगाया। अब इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबी हो जाएगी। अब कितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ, वो डेल्टा एल, वो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो मान लो डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन हुआ बटा उसकी वास्तविक लंबाई जो कि ये एल थी, वो आपका हो गया स्ट्रेन, विकृति, ठीक है। लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, ठीक है। प्रारंभिक लंबाई, वास्तविक लंबाई जो भी है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों, लंबाई में परिवर्तन होगा मान लो एमएम में होगा, वास्तविक लंबाई मान लो 1 एमएम पर परिवर्तन होगा, और वास्तविक लंबाई 10 एमएम थी, एमएम से एमएम कट गया, कोई इकाई नहीं होगी इसकी, ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब जिस तरह से टाइप ऑफ लोड्स थे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे, उस तरह से देखिए, जिस तरह से मशीनों पर लगने वाले भारों के प्रकार थे, टेंशन, कंप्रेसिव, शेयर, इसी तरह से उनके कारण उत्पन्न प्रतिबल भी होंगे। तो पहला आपके हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा आपका हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस, और तीसरा आपका हो गया शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब ठीक है, अभी देखिए तनावी प्रतिबल क्या होगा, तनावी बल के कारण उत्पन्न प्रतिबल आपका तनावी प्रतिबल हो जाएगा, जिसका सीधा फॉर्मूला होगा बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखिए बाहर की ओर लग रहा है, तनावी बल लग रहा है, इसके कारण उत्पन्न हो गया तनावी बल। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा प्रतिबल को सिग्मा से डिनोट करते हैं, SIGMA, ठीक है, याद रखना। अब देखिए संपीड़न प्रतिबल आ जाइए, संपीड़न प्रतिबल ये आ गया आपका, जो कि ये देखिए यहाँ पर संपीड़न बल लग रहा है, इसके कारण उत्पन्न हो रहा है आपका संपीड़न प्रतिबल, इसकी इकाई भी वही रहेगी। इसको सिग्मा सी से डिनोट कर देंगे, सिग्मा स्ट्रेस, सी आपका बता देगा कि ये कंप्रेसिव है, नेचर में कंप्रेसिव नेचर है इस प्रतिबल का। अब ठीक है, शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे, ये देखिए सिग्मा टाओ, और इसको टाओ से भी डिनोट कर सकते हैं हम, टाओ TAU टाओ, ठीक है। ये हो गया बल लगने वाला शेयर फोर्स बटा जिस बल बटा क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल पे कार्य कर रहा है, ठीक है, वो वाला क्षेत्रफल हो गया। स्पर्श पे कार्य करेगा ये, ठीक है, ये वाला, ये जो पीला पीला मैंने बनाया है, कलर करा है, ये वाला मान लो ये क्षेत्रफल है। अब शेयर फोर्स कैसे लगेगा, इस पर यूँ लगेगा समांतर, इस जो फर्श है ये जो है इसके समांतर लग रहा है, इस पर इस तरह से कार्य कर रहा है, ठीक है, समान बिल्कुल पैरेलल टेंजेंशियल, ठीक है। तो क्षेत्रफल कौन सा लगेगा, जो मैंने येलो कलर से जो मैंने वो एरिया शेड करा है, वो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका, और बल हो जाएगा पी जो कि उस क्षेत्रफल पे कार्य कर रहा है। ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेस।
ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी इसी तरह से हो जाएंगे, तनावी बल के कारण उत्पन्न विकृति, तनावी विकृति, ठीक है। देखिए इंक्रीज इन लेंथ, इसमें इंक्रीज होगा, लंबाई में वृद्धि होगी बटा प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। ये हो गया आपका संपीड़न, इसमें क्या होगा सी सिग्मा डेल्टा, इसमें क्या होगा डेल्टा एल, कमी होगी लंबाई में, तो जितना परिवर्तन होगा जितनी कमी होगी बटा वास्तविक लंबाई उसकी कितनी है, ठीक है। वो हो गया आपका संपीड़न विकृति। अब कर्तन विकृति अलग है थोड़ा, देखिए ये किसी, मैंने बताया था पहले आपको, मान लो इस तरह से कोई ब्लॉक रखा हुआ है फर्श पर, नीचे से फिक्स है जो कि ऊपर उसके ऊपर से बल लग रहा है उस पर। चलो और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। ये बॉक्स हो गया, अभी फिक्स है नीचे से, अभी देखिए अब येलो कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये। अब ये जो मैंने ड्रॉ करा है येलो कलर पे, इस पर फोर्स लग रहा है एक पीग, ये देखिए मान लो ये पी बल लग रहा है। अभी किस सतह पे लग रहा है, ठीक है, टेंजेंशियली लग रहा है उसके। ये देखिए यहाँ पर जो बताया ये वाला पी वाला यही बल है। अभी क्या करेगा, इस ब्लॉक को इस तरह से मूव कर देगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये पिंक कलर से इस तरह से, नीचे वाला हिस्सा तो फिक्स रहेगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, फिक्स है वो, लेकिन ये शेप इस तरह से हो जाएगी, इसकी इस तरह से हो जाएगी कुछ, ठीक है। ध्यान से देखिए इस तरह से शेप हो जाएगी कुछ, इसकी झुक जाएगा। अब ये झुका है मान लो यहाँ से फाई से, फाई एंगल से, तो मैंने क्या करा, जो जो बल ये यहाँ से यहाँ कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा एल का, ठीक है, और वास्तविक लंबाई कितनी थी इसकी ओरिजिनल एल, तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया। ये क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। मान लो ये त्रिभुज ले लो, अब आप ये एक त्रिभुज हो गया ये, ठीक है, ये यहाँ पर ए ए डैश और डी, ए ए डैश और डी, इसमें डेल्टा एल, ये तो हो गया आपका टेन थीटा, टेन फाई, टेन फाई, ये तो आ गया आपका टेन फाई। लंब क्या हो गया इसमें त्रिभुज में, लंब डेल्टा एल हो गया ए ए डैश अपॉन, आधार क्या हो गया ये वाला हिस्सा एल, जो किसकी लंबाई कितनी एल, वो डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया। अब टेन थीटा बहुत ही कम होता है तो उसको हम टेन फाई है, तो टेन फाई बहुत ही छोटा है, उसको हम इसलिए फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे ये हो गया आपकी कर्तन विकृति, शेयर स्ट्रेन, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ये सिंबल रहेगा इसके लिए, याद रखना, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे से, थैंक यू।